लोगों के मोबाइलों पर इसका ध्यान रखें, हमारी बजट में जारी रहेगी। पर हाथ खुला सब जाइए, भैया रानी प्रजा के भैया Yeah.
आनंद बरसा लंगेश्वर वाली काली मैया के दरबार में। लंगेश्वर वाली काली मैया की रजत जयंती का ये उत्सव बड़े धूमधाम के साथ मध्य रात्रि प्राचीन श्री लंगेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं कि कैसा श्रद्धा भाव, कैसा भक्ति भाव भक्तों के अंतस में हिलोरे ले रहा था। देखिए ये हाल हो गया कि जो माइक थे उनके वायर खिंच गए। आप इधर आइए, नहीं बच्चों की इच्छा है इधर भी कुछ उनको प्रसाद दिया जाए। सब लोग सुनने के बने बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई बधाई हो 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 बधाई हो
Thank you.
आप देख रहे हैं विशेष कवरेज पीटीआई न्यूज की। मथुरा की माँ काली रंगेश्वर वाली का रजत जयंती उत्सव देखा आपने, कितने श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। और आज कैसी अनुभूति है आपकी? आज की अनुभूति पीछे आंसू आ रहे हैं बस। अच्छा, इतना प्यार, इतना दुलार माँ के चरणों में जो है, इनकी लीला का जो है पार नहीं है। इनको करना प्यार लाड़, इनको दुलार पसंद है। और ये अपने भाव से भक्तों का कल्याण करती है, भक्तों का कल्याण करती है, भक्तों को अपार कृपा करती है। आप बता रहे थे कि आज रजत जयंती उत्सव भी है और गणतंत्र दिवस भी है, और ऐसा उल्लास जो कभी नहीं देखा गया। और मथुरा में भी जो मैया जी का डोला निकला और जो भोलेनाथ निकले, वो कभी नहीं निकले शहर में। 5,500 साल से थोड़ा समय कम भोलेनाथ यहीं पर थे, लेकिन ये 5,500 साल में जो है, ये ऐसा खुशी का मौका आया जो बाबा हमारे हमको लेकर के साथ गए, बाबा और मैया हमको साथ लेकर गए और नगर भ्रमण किया। और नगर भ्रमण में बहुत उत्साह हुआ है कि जो अभी तक नहीं देखा, अभी तक देखा नहीं, इतना उत्साह जो है हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। आपसे यदि हम रंगेश्वर वाली काली मैया की स्थापना की बात करें, 1 जून 1995 की ओर अगर 1 फरवरी 1995 की ओर ले चलें, तो क्या आपको दृश्य याद आता है? कैसे मन में ये भाव आया कि हम इस तरह से माँ काली के मंदिर की एक स्थापना करें, क्यों करें, क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ थी? हमारे उस समय ऐसा कोई महसूस ही नहीं था। यहाँ पधरवाने आए थे, बहुत जगह गए थे, सब ने मना कर दिया। रंगेश्वर बाबा के यहाँ पधरवाने आए थे। जी 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 जी, रंगेश्वर महादेव बाबा के प्रांगण में आए तो यहाँ भी मना कर दिया, लेकिन पुजारी जी को स्वप्न दिया और पुजारी जी को स्वप्न देने के बाद में यहाँ पर पहले महाकाली की छोटी मूर्ति थी, लेकिन वो स्वप्न देने के बाद में वो यहाँ पर माता जी वहाँ पधरी है। ये माता जी की जो है खुद की इच्छा थी, रंगेश्वर बाबा की, जो माता जी यहाँ पधरी है जी, बिना रंगेश्वर बाबा की मर्जी से जो है। मैया जी आई कहाँ से? माई आई है, बाहर से आई थी, हम लेने गए भोलेनाथ जी, माई आ गई। अच्छा, संकल्प भोलेनाथ का था जी, लेकिन माई आ गई, बोले भोलेनाथ यही है, और ये आ गई, मिल गई। और ऐसा महसूस हुआ कि ये माता जी जो है खुद ये नाटक करके यहाँ पर आई है, ऐसा महसूस हुआ। और कुछ ऐसा जो मन में लग रहा हो कि ये बताना बहुत जरूरी है भक्तों को, ये बात बतानी बहुत जरूरी है भक्तों को मैया जी के बारे में? ऐसी बहुत सी बातें गोपनीय होती है, उसको उजागर करने से, ये तो नित्य नए चमत्कार, रोजाना 1 साल के नंबर लगे हुए हैं पोशाक के। जब आदमी के साथ में साक्षात्कार होता है, दर्शन रात को स्वप्न लाभ होता है, दर्शन का स्वप्न लाभ होता है, तब ये सारी व्यवस्थाएं होती है कि आदमी कहता है कि मेरे जो है यहाँ पर पोशाक चढ़ जाए। ये सारी लीलाएं जो है जब भी होती है, जब आत्म साक्षात्कार होता है। तो इसी पर एक जयकारा माई जी का लगा दें आप। श्री मैया की जय।
कन्हैया जी कन्हैया जी, दो शब्द आपके आज के इस अवसर पर जल्दी से। आपको तो ये कुछ कितना भव्य कार्यक्रम गला बैठ चुका है, कार्यक्रम हो गया है। अब एक घंटे में आधे घंटे में महाआरती होगी, हम लोग आपको दिखाना है कि जय हो बोल सच्चे। Yeah.